रीडिंग साना साना हाथ जोड़ी पार्ट टू। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जीतेन बता रहा था अब हम हर मोड़ पर हेयरपिन बेंट लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयरपिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा, 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जीतेन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूल बस नहीं? मणि के पूछने पर जीतेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी इलाका नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्बीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल में लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर धोते हैं। खुद मैंने ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता था जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि एक ज़रा सा भी संतुलन बिगड़े और इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह चेतावनियां लिखी हुई थी कि हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इटर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कुछ युवतियाँ बोकू पहने सिक्किमी प्रधान चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। नदी की तरफ उफान लेता उनका यौवन और शम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चिक पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चित सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं सी झुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आईं। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वहीं सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कोंधा, हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूँ? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना।
भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जीतेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगीत साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को मात करते हुए वो शानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कलकल बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होते जा रहा है, पर यदि मैं कटाओ चली जाऊँ तो मुझे वहाँ सर्दियाँ बर्फ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़प कर लिया। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाओ की ओर। कटाओ का रास्ता खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितें लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश। एक चुक और सब खत्म, खलास। सांस रोकी हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड ड्राइवर स्पीड। थोड़ी सी दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भले सावधानी से मौत डली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नारगे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूमकर आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नारगे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई थी बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लगा रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सेंधे मलाई से ताउच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहुआ और बिखरी हुई यह बर्फीली सुंदरता जीतेन के मन पर भी ताप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह।
हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेट कर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे हुए थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर के देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने के बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखनय का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि सैथान भी उसे देखकर ठगा रह गया था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से इंजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में यह जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए त्राही त्राही मचती है। तो यही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बनकर हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय वहाँ -15 डिग्री सेल्सियस तापमान था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सकें, इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटुला, फिर मिलेंगे, कहते हुए देन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी, जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पोष और माघ में भी, जबकि शिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं और जिन सकरे घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने के मन सोचकर भी प्राणों कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही ख़त्म हो गए हैं। मेरी यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतर आत्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल के ताज़ा ताज़ा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर प्रीता और रोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखेगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगा कि लगेगा कि फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ।
बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचोली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके हुए कटावों के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजमाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठते हुए एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मनी ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीप निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटोक इतना सुंदर है, मैंने कहा। गैंगटोक नहीं मैम, गंतोक कहिए, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्ष बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है, मन ही मन मैं कहती हूँ। और जीप आगे बढ़ने लगती है।